भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज छठवां दिन पूरा होने पर आया है। वहीं सुबह 6 बजे इंदौर से सांवरे के लिए प्रस्थान करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा विधायक संजय शुक्ला के फार्म हाउस पर दोपहर विश्राम के लिए रुकी थी। इसी दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने यात्रा के बारे में संवाद किया तो वहीं साउथ बेल्ट से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर जैसा समर्थन साउथ के बाद मिला है तो वे मध्य प्रदेश रहा है जहां जनता का भरपूर समर्थन मिला। इंदौर से संवाददाता जय सिमरिया की रिपोर्ट। कांग्रेस का जो सिंबल है वो नहीं है, तो क्या ये उम्मीद करते हैं आपकी इस यात्रा के माध्यम से वो संगठन गैर राजनीतिक राजनीतिक संगठन जो आपको 2024 में किसी आज, रूप में आज एक मैं आपको बताऊं, आज एक आरएसएस के व्यक्ति आए, मुझे उन्होंने कहा मैं आरएसएस का हूं, मैं यहां आपका स्वागत करने आया हूं। मैंने कहा ये जी तो मेरा सवाल ये था कि इस यात्रा से आगे आपका जो लक्ष्य जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है तो एक मजबूत प्रतिपक्ष की तरफ आप बढ़ेंगे आगे, ऐसा आप उम्मीद करके चलते हैं या भविष्य में? मेरे साइड से ये मेरी जिम्मेदारी है और एक तरह से मेरी तपस्या है, ठीक है। जो तपस्या करता है वो इसलिए तपस्या नहीं, किसी कारण तपस्या नहीं करता है कि मैं वो चाहता हूं या वो चाहता हूं या वो चाहता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगा कि इस देश में जो नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है वो इस देश के लिए खतरनाक है, इस देश को नुकसान पहुंचाएगी, और मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मेरे दिमाग में आया कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, डर के खिलाफ कुछ करूं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो ये है, और ये भावना सिर्फ मेयर में नहीं है, ये भावना बहुत सारे लोगों में है, कांग्रेसियों में है, नॉन कांग्रेसियों में है, और बीजेपी के लोगों में भी है। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी सोचते हैं कि जो देश में हो रहा है वो सही नहीं है, मीडिया के साथ जो हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हो रहा है, और जनता के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, भयंकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। मगर कुछ सोच कर नहीं किया मैंने कि इससे ये फायदा मिलेगा या ये फायदा मिलेगा, इससे मुझे कुछ ना मिले तब भी ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं करूंगा, पूरा करूंगा। धन्यवाद। दैनिक दोपहर से नवनीत शुक्ला। सहमति दी गई थी, लेकिन कांग्रेस के ही एक नेता हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, तो आप इस यात्रा में सभी वर्गों को जोड़ने और सभी को समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो इस फैसले को लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं इस यात्रा इस यात्रा के क्लियर लक्ष्य है, मैं इस यात्रा को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। इस यात्रा के पीछे सोच है, सबसे पहले जो हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैलाया जा रहा है उसके सामने खड़े होना, और इसका सेंट्रल आइडिया कि जनता की आवाज जो है उसको सुनना सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद जो देश में बेरोजगारी, कमल दे सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस है, भैया मोबाइल हटा दी, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ, मैं ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे इस यात्रा में रेज नहीं करना चाहता और इस यात्रा को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता। जो
जनता कह रही है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके बारे में हम आपसे जरूर बात कर रहे हैं। पत्रिका से गोविंद ठाकुर, किसी का दर्द होता है तो उसका सामना करना पड़ता है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि पेशेंस जो होती है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही है, कि अगर मैं पहले एक दो घंटे में इरिटेट हो जाता था, अब मैं 8 घंटे में इरिटेट नहीं होता हूं। नहीं, आप हंस रहे हो, मगर ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अब मुझे यहां धक्का लग जाए, पीछे से खींच लिया, मुझे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो पेशेंस है वो बढ़ रही है। और तीसरी बात है कि सुनने का तरीका बदल गया है। तो अब अगर कोई व्यक्ति आता है, जिस प्रकार से मैं उसकी आवाज को सुनता हूं उसका नेचर बदल गया है। मैं ज्यादा उसकी ओर से आवाज को सुनता हूं, मैं अपनी ओर से नहीं, मैं यहां से नहीं देखता हूं, मैं उधर से देखता हूं। तो ये मुझे लग रहा है काफी फायदेमंद चीजें हैं। राहुल जी, मैं मेरा सवाल ये था कि आपने दो इश्यूज को रेस किया है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, महंगाई और, सबसे पहले वहां पे तो सवाल एक भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब चांस ही नहीं है। नमस्कार राहुल जी। राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको भी पता है, मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूँ, कि दिल्ली में सत्ता का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश होके जाता है, और मोदी जी भी इस बात को समझे और वो वाराणसी गए चुनाव लड़ने और वहाँ से कंसोलिडेट की पोजीशन और वहाँ पहुँचे। माय क्वेश्चन इज, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, विल यू बी कंटेस्टिंग अगेन फ्रॉम अमेठी? सी, वंस अगेन, दीज आर ऑल अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन आइडिया। You want to write, you want the newspapers tomorrow to say either Rahul Gandhi contests from Amethi or Rahul Gandhi does not contest from Amethi. I want the newspapers to say Bharat Jodo Yatra, the ideas of Bharat Jodo Yatra, the philosophy behind Bharat Jodo Yatra. So the answer to your question will come maybe in a year or year and a half. मध्य प्रदेश स्थित पत्रकारों से मैंने 10 सवाल लिए हैं, माफ कीजिएगा, और 2-3 सवाल नहीं ले सकता हूं। मैं अभी दिल्ली स्थित पत्रकारों से सवाल लूंगा। राहुल जी ने वादा किया था न्यूज 24 को कि तेलंगाना में आए थे, उनको मौका नहीं मिला। रमन झा, मैं हमेशा इनकी राइट साइड पे रहा हूं पिछले 42 साल से, आप लोग गलत फहमी मत रहना, लेफ्ट साइड पे बाकी लोग जाते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिग्विजय सिंह और मैं करेंगे अलग अलग से।